जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज गुप्त वंश से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा अगला लेक्चर है सातवाहन के वंश के बाद। तो कंटिन्यू करेंगे हम। सबसे पहले क्या आ जाता है तो ध्यान से देखिएगा, गुप्त वंश के इतिहास के बारे में हमें कहां से पता चला, तो उसके जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं जो कि हमें वहां के अवशेष प्राप्त हुए हैं, या विदेशियों ने जो भी फायान आया, अलबरूनी आए, उनकी पुस्तकें हैं, तो उसमें जो लिखा गया है उनके विवरण से हमें प्राप्त हुआ कि गुप्त वंश में क्या क्या था। इसी प्रकार से देख सकते हैं जो साहित्यिक स्रोत हैं वो है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं या मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथों में भी हमें गुप्त वंश की ही जानकारी मिली है, आर्य, मंजूश्री, मूलकल्पम या वसुबंधु चरित में। विदेशी यात्री जैसे मैंने आपको बताया फायान है, हेनसांग है और अलबरूनी, इनकी पुस्तकों में भी हमें गुप्त वंश का विवरण मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश की जो संस्थापक है वो कुषाण शासक के सामंत थे, और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार हम कहें तो वो श्री गुप्त को कहा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से जो है एक सवाल पहला क्या बन जाता है कि गुप्त वंश की जो जानकारी है वो हमें किन से मिली थी, तो हमें हेनसांग, फायान और अलबरूनी की पुस्तकों में जो है उनके विवरण से हमें मिली। दूसरा, उसका संस्थापक कौन है, तो ये इंपॉर्टेंटली आप नोट भी साथ साथ में करें, श्री गुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक हैं। हम वन बाय वन देखते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं वो श्री गुप्त को माना जाता है। इन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की, और वो 240 से लेकर 80 ईस्वी तक जो है वो इन्होंने शासन किया और महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद आए थे खटोचकच, जो श्री गुप्त का पुत्र था खटोचकच, वो उसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि बाप के बाद जो है वो बेटा बनता है उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति का। तो उस प्रकार से जो है श्री गुप्त के बाद जो है खटोचकच जो है वो बने, और उन्होंने भी महाराजा की ही उपाधि धारण की। मगर चंद्रगुप्त प्रथम जब आए थे तो ये महत्वपूर्ण राजा बने हैं गुप्त वंश के, जिन्होंने महाअधिराज की उपाधि धारण की थी। क्या हुआ था, दोनों ने जो उसका दादा है चंद्रगुप्त का प्रथम का, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, और उसके पिता खटोचकच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। मगर जब बेटा आया तो वो महाअधिराज की उपाधि उसने धारण की थी। ये इंपॉर्टेंटली है, नोट रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विवाह किया है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत, संवत मतलब यानी कि कैलेंडर की बात कीजिए कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत की थी। अब कुमार देवी का पुत्र था जो कि लिच्छवी का दौत्रिक कहलाता था, तो समुद्रगुप्त की नीतियां जो थी वो आक्रामक थी और विस्तारवादी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार से दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, पराजित किया, मगर उसके ऊपर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, उनको बस अपने विजय राज्यों को मैं घोषित कर दिया कि हमने जीत लिए हैं। इस वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नोट कर सकते हैं साथ साथ में, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने 9 राज्य जो हैं अपने साम्राज्य में मिला लिए, और 12 राज्य दक्षिण के भारत के जो हैं उनको भी पराजित किया, और उसकी विजय के कारण जो है वो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के जो दरबारी हैं वो हरिशयन हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हरिशयन किसके दरबारी हैं। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त जो हैं वो संगीत प्रेमी थे। उसका हमें जो नॉलेज हुआ कि वो संगीत प्रेमी है, उसका कैसे पता लगा कि उनके शासन को काल के दौरान में जो है उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। जो सिक्के चलाए थे उन्होंने, उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो है वो
आकृतियां अंकित की हुई थी, तो उनसे पता लगा कि वो संगीत प्रेमी भी थे। तो ये इस प्रकार से है। और आपको सबसे पहला एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ही बनता है कि पहला वाद्य यंत्र कौन सा था, तो वीणा ही आपका आंसर होगा। पुराना, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में बच्चे। तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र भी जो है गुप्त वंश में ही हमें मिला था, जिसका नाम है वीणा। इसी प्रकार से रामगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है अगला शासक बना, मगर ये अयोग्य शासक था, शरीफ होते हैं तो उनको हम अयोग्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय आए, इसके बाद वो इनके राजा बने। तो फिर जब ये बने तो मालवा और गुजरात के शासकों को जो है इन्होंने पराजित किया, और इस वजह से इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, याद रखिएगा। कारण मैंने बता दिया है, मालवा और गुजरात के शासकों को हराने की वजह से इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और ये इन्होंने जो है सबसे पहले गुप्त वंश में चांदी के सिक्के चलाए थे। देख सकते हैं आप, गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, तो चांदी के सिक्के चलाने वाला सो है वो चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य ही था। लोह स्तंभ है मेहरौली के में, और वो ये है आपके कुतुब मीनार के साथ में है। तो वो उन्होंने वहां पर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपने विजय की वजह से जो है वो वहां पर गाड़ा था, तो उससे भी हमें पता लगा उनके बारे में। और ये आज भी है दिल्ली के मेहरौली में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, 9 विद्वान यानी कि नवरत्न बोलते हैं। कौन कौन से थे, धनवंतरी जो कि आयुर्वेदिक ज्ञानी थे, शपणक यानी कि विद्वान और नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे पूरे, शंकु ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे, बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या से जो है वो ज्ञानी थे, घटपर जो है वो कवि थे, बरुचि व्याकरण यानी कि व्याकरण के ज्ञानी थे, अमर सिंह थे जो कि कोशकार से संबंधित जो है परिपूर्ण थे कार्यों से, और बराह मिहिर जो खंगोल वैज्ञानिक थे, और कालिदास थे जो कि आपके संस्कृत के महाकवि थे, क्योंकि आपने भी कालिदास का कई बार नाम सुना होगा, तो इसलिए मैंने आपको नॉर्मल सही बता दिया है। चंद्रगुप्त के बाद जो है ये आपका हो गया है, हो गया ये। उसके बाद आ गए थे कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बने, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसकी उसको तोड़ फोड़ भी की गई है, किन किनों ने की है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, आप बस वीडियोस के साथ में बने रहिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, के बाद जो है अगला शासक जो थे कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक जो है स्कंदगुप्त बने थे, और इनके बनने के बाद जो है ये जो वंश है वो छोटे छोटे भागों में बट गया था, इसलिए अलग अलग शासक बन गए। और एरन के अभिलेख में, जो एरन के अभिलेख हैं भानुगुप्त के शासनकाल में, हमें उसकी जानकारी मिली कि इसका मैं जो है वो सती प्रथा का भी मतलब हमें साक्ष्य मिला कि यानी कि उस वक्त सती प्रथा यानी कि जो ऐसे घर वाला मर जाता है, हस्बैंड मर गया तो उसके बच्चे को भी बीवी को भी साथ में ही जला दिया जाता है, तो सती प्रथा का भी एरन अभिलेख में हमें वहां से जानकारी पहली बार मिली थी यहां से। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे विष्णुगुप्त, और इसके बाद जो ये वंश है वो छिन्न भिन्न हो गया यानी कि छोटे छोटे भागों में बट गया और टूट गया, बिखर गया। इसके बाद ये है गुप्तकालीन रचनाएं और उसके लेखक हैं, यानी कि कालिदास के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, ऐसे विशाख दत्त के द्वारा ये लिखी गई हैं, और ये नेक्स्ट मृच्छिटिकम जैसे शुद्रक के द्वारा, अमरकोश अमर सिंह के द्वारा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कामसूत्र वात्स्यायन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार काममंदक, यानी कि इस प्रकार की ये पुस्तकें हैं जो कि गुप्त वंश में लिखी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार लेखक
या पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, तो एक बार आप जरूर इसको नोट करके वीडियो से जो है याद कर ले। नेक्स्ट आ जाता है यहां पे जो आपका समाज और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी। तो गुप्तकालीन में जो है वो किस प्रकार से थी कि हर जो कास्ट है, कास्ट कैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार भागों में बांटा था और अलग अलग रहते थे। और बाल विवाह के लिए, यानी कि जब छोटे होते हैं तो छोटे बचपन में ही बच्चे की शादी कर देने, इसको बाल विवाह कहते हैं, को बढ़ावा दिया। और भानुगुप्त में ने के अभिलेख में सती प्रथा का पहला प्रमाण भी मिला था। तो भानुगुप्त ने जो अपना अभिलेख लिखा था उसमें इसका सती प्रथा का अभिलेख मिला। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित थी। उन्होंने भू राजस्व का 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में हिस्सा रखा हुआ था। इसके बाद ये जो अन्य कर थे वो अलग अलग थे, जैसे कि बेगार यानी कि निशुल्क श्रम विशिष्ट कहते थे। गुप्त काल में धार्मिक कर को जो है वो बलि या पानी या वायु के देवताओं के लिए कर मांगा जाता था, और पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर जो है उसको भात भूत कहते थे। पुलिस कर को भत भट कहते थे। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग कर है, ठीक है। और गुप्त काल में सांस्कृतिक स्वर्ण जो है, मतलब सांस्कृतिक स्वर्ण युग भी कहा गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो मैं बता रहा हूं। और सती प्रथा का भी उल्लेख और बाल विवाह का उल्लेख भी हमें गुप्त वंश में ही मिला। और इनके शासन काल को मैंने जैसे आपको बताया कि ये अलग अलग चार भागों में भी डिवाइड था, तो उसी प्रकार से ये चार भागों में बांटा गया था। जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी, यानी जैसे भी आज भी विलेजेस जो हैं या गांव जो हैं वो सबसे छोटी इकाई गिन जाते हैं, उससे बड़े जो हैं, अब गांव से बड़ा क्या होता है, यानी कि बाढ़, बाढ़ से बाद बड़ा पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर स्टेट, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे सिस्टम है, तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। और स्वर्ण दिनार जो है वो भी गुप्त काल से ही चलाए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये था गुप्त वंश। तो नेक्स्ट वंश के साथ मिलेंगे, आप लगातार बने रहिएगा इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।